नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे कि अगले साल 2022 में यूपी पोल्स में अखिलेश जी विनर होंगे या योगी जी। आइए सुमित जी, बताइए हमें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं तुम्हें सीढ़ी पश्चिम से आपका सरोदर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हम बात करते हैं कि 2022 में यूपी पोल्स में कौन विनर रहेगा। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई है सुमित, आपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग योगी जी एंड अखिलेश जी की, लेकिन अब लोग जानना चाह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी कितना मैटर करती है इन सब चीज़, इस बार आप न्यूमरोलॉजी से भी हमें समझाइए। चलिए बात करते हैं हम दोनों की कुंडली को दोस्तों। लेकर। थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, मैंने इन दोनों की अलग से वीडियो बना रखी है दोस्तों कि यूपी में कौन जीतेगा। इनके अलग अलग वीडियो है, योगी जी की भी है, अखिलेश की भी है और टिकैत के भी है, प्रियंका गांधी की भी है। तो क्या किसान आंदोलन असर डालेगा, वो टिकैत थोड़ा आप देखिए। डिटेल वीडियो है, मैंने लिंक डाल दिया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने, उसको देखिएगा। मई के आसपास की बातें मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों। और आपको एक बात बताऊँ, उसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ। योगी जी की कुंडली मैंने एक बात कही दोस्तों कि आने वाला जो टाइम है, जैसे हम चुनाव के नज़दीक पहुँचेंगे, अब तो तकरीबन 4 से 5 महीने का टाइम बचा है, तो जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक पहुँचेंगे, यूपी में कुछ घटनाएँ ऐसी होंगी जो सरकार को अस्थिर करने के लिए, योगी जी की इमेज को गिराने के लिए की जाएंगी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड होंगी, जो भी होगा दोस्तों कारण। तब मैंने बात कही थी वाली, आज वही हुआ। कल लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई, और वो किसान थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उसमें पूरा बवाल मचा हुआ दोस्तों, अब पॉलिटिकल टर्मोइल मचा हुआ है, वो इसी का हिस्सा। और आने वाला टाइम अभी चलने वाला है दोस्तों ऐसा। और एक छोटी सी बात बताऊँ दोस्तों आपको, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, यानी कि पूरे 1 महीने के लिए सूर्य नीच का रहेगा, तो योगी जी के लिए वो टाइम थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है। और आखिर में आपको एक बात और बताऊँ, उस वीडियो में मैंने दोस्तों एक बात कही थी योगी जी की वीडियो में कि अगर बीजेपी योगी जी को पीएम या सॉरी सीएम का फेस नहीं बनाती, उनके अंडर चुनाव नहीं लड़ती, किसी और को सीएम फेस बना के चुनाव लड़ती है, मोदी जी के अंडर चुनाव लड़ती है, उनको फेस बना के चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी की दुर्गति होगी, बहुत बुरी हार मिलेगी। अगर योगी जी सीएम बनते हैं दोस्तों, तो मेरा वर्डिक्ट ये था कि उनको अगर सीएम का फेस बनाया जाएगा तो बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे ही बनेंगे। अखिलेश यादव ऑफकोर्स अपनी सीटें बढ़ाएंगे, मैंने कहा था उस समय, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो अपनी सरकार बना सकें। और प्रियंका गांधी की कुंडली से एक बात कही थी कि उनका तो कोई लेना देना है भी नहीं चुनाव से, इक्का दुक्का सीट यहाँ आ गई, लेकिन परफॉर्मेंस कांग्रेस की मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डाउन रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं रहेगी कांग्रेस की, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर्स क्या बोलते हैं, नेम नंबर्स क्या बोलते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या बोलते हैं, नंबर्स के हिसाब से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या दोनों चीज़ें मैच करती हैं आपस में, वो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। चलिए, आपने लिखा हुआ है 2022 एड्स टू 6 वीनस, इसका भी एक नीचे वाले बता दो आप जो फ्रेंडली 2, 3, 6, 9 एंड 5। अच्छा दोस्तों, पहले ये न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आपने हमारी एक सीरीज देखी, हमने पूरी एक सीरीज बनाई थी 1 to 9, 1 से लेकर 9 नंबर की, पूरी न्यूमरोलॉजी की हमारी एक वीडियो है, और न्यूमरोलॉजी एज अ बेसिक्स हमने उसमें समझाया था, 10 वीडियोज हमारी हैं दोस्तों हमारी टाइम लाइन पर, देखिएगा आपको समझने में आसानी होगी, अपनी लाइफ में भी और अपने चाहने वालों की लाइफ में भी आप नंबर्स के थ्रू क्या हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ समझाऊँ मैं आपको, जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, देखिए क्योंकि चुनाव 2022 के अंदर होने हैं, तो 2024 के तो लोकसभा चुनाव है दोस्तों, 2022 में यूपी के, तो आज हम 2022 से बात करेंगे। देखिए 2022 का जो टोटल आता है दोस्तों बनता है 6 नंबर, 6 नंबर दोस्तों वीनस का होता है, और ये जो बताया फ्रेंडली 3, 6, 9 एंड 5, ये जो 4 नंबर होते हैं दोस्तों, 3, 6, 9 और 5, 5 पर दोस्तों नज़र मार के चलिएगा, 5 इंपॉर्टेंट नंबर है, 3, 6, 9 और 5 ये फैमिली नंबर्स हैं, ये आपस में कंपैटिबिलिटी है, तो जो 6 नंबर का इंसान होगा इनके साथ उसकी अच्छी बनेगी या इससे उनको बेनिफिट मिलता है, वाली डेट्स उसके कामयाब होती है। तो 2022 का टोटल दोस्तों यहाँ पे 6 आता है, इसको एक इसको माइंड में रखिए दोस्तों 6 नंबर को, और 5 नंबर को दिमाग में रखिए, आगे की वीडियो में सुनने में आपको आसानी होगी। चलिए, अब आपने लिखा हुआ मंथ ऑफ पोलिंग मार्च 3 नंबर, चलो एक सेकेंड, अब दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव जो होंगे मार्च में होंगे, मार्च के आसपास सरकार बनती है, मार्च में ही पोलिंग होने वाली है, तो मार्च का दोस्तों 3 नंबर है, नंबर 3 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3rd मंथ तो नंबर 3, और देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा 3 और 6 फ्रेंडली आपस में, तो ये जो नंबर यहाँ से आपस में मैच करता है, तो 3 को भी दोस्तों दिमाग में रखिए, 6 को भी दिमाग में रखिए, 5 को भी दिमाग में रखिए। चलिए, अब आपने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश टोटल 49, मतलब कि 4 प्लस 9 13, और उसका टोटल 4 आ गया। हाँ जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो नेम टोटल आएगा, उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों नेम टोटल है वो 49 बनता है, 49 को हम आगे जाके करेंगे, तो 4 प्लस 9 13, 1 प्लस 3 4,
तो ये जो टोटल आता है दोस्तों, ये 4 नंबर बनता है आपने मतलब यूपी का टोटल। उत्तर प्रदेश को न्यूमरोलॉजी से किया वो उसका न्यूमरोलॉजी, हाँ न्यूमरोलॉजी का, अच्छा याद दिलाया, ये यूपी को हमने न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करा, तो हम यहाँ पे नेम नंबर पे भी चलने वाले हैं। यूपी का टोटल 49, 49 को हम आगे जोड़ेंगे आएगा 13, 13 को हम एक नंबर पे लेकर आएंगे सिंगल डिजिट पे, तो 4 आता है जो कि राहु का नंबर होता है। मतलब न्यूमरोलॉजी इतनी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, अब यहाँ पे हम करेंगे योगी वर्सेस, कर लेते हैं इसको योगी वर्सेस अखिलेश, हु विल बी द सीएम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ, आप एक एक पढ़िए फिर मैं एक एक पे आता हूँ। पहले तो फ्रेंड्स कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ आपने योगी जी की लिखी हुई है 5th June 72 एंड अखिलेश जी की आपने लिखी हुई है 1st July 1973। बस एक बार लकी नंबर और लाइफ, ये एक ये तीन आप इकट्ठा पढ़ दें तो मेरे को समझाने में भी आसानी। हाँ ये बिल्कुल, लकी नंबर इनका 5 है, वो है मरकरी बुध। लकी नंबर 5 मतलब स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर। अखिलेश का भी आप पढ़ दें। लाइफ पाथ 30 मतलब 3 नंबर जुपिटर गुरु का नंबर, और अखिलेश जी का आएगा नंबर लकी नंबर 1, ये इनकी डेट है। वन नंबर होता है सूर्य का, और इनका लाइफ पाथ नंबर लिखा हुआ है 28, और उसको हम कैलकुलेट करें तो उसका नंबर भी 1 ही आता है। लाइफ पाथ क्या हुआ, सूर्य का? हाँ, मैं वही समझा, अच्छा मतलब 1+7 फिर उसमें +1+9+7 इन सब का जो टोटल आया है वो लाइफ पाथ नंबर है, और 28 को आपने फिर से प्लस किया तो 1 आया। देखिए मैं बता दूं, 1+7 8, 8+1 9, 9+9 18, 18+9 25, 25+8 28, 28 को टोटल करके बनाया था। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ 1 by 1। देखिए डेट ऑफ बर्थ का लकी नंबर 5 आ गया यहाँ पे दोस्तों, यस के साथ, और यहाँ पे आ गया अखिलेश का 1। लाइफ पाथ नंबर दोस्तों पूरे का टोटल, इस पे 3 और यहाँ पे 1। दोस्तों अब थोड़ा सा अब आप रिलेट करके चले, ये हमने सिर्फ इनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर चले, अब डेट ऑफ बर्थ से आप इन नंबर्स को लेकर चलेंगे। देखिए 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी दोस्तों 2022 के साथ ज़्यादा आती है, 1 की कंपैटिबिलिटी इसके साथ नहीं आएगी 6 नंबर के साथ। 1 और 6 नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है, 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर वीनस का। दोस्तों दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिएगा आपको बात समझ में आएगी। 5 नंबर ये जो 2022 का टोटल चेहरा इसके साथ कंपैटिबल है, 1 नंबर यहाँ पर कंपैटिबिलिटी 0 है। अब देखिए दोस्तों लाइफ पाथ नंबर 3 नंबर यहाँ दोस्तों ने मेंशन कर रखा है, 6 और 3 कंपैटिबल है, 3 और 6 कंपैटिबल है, यहाँ पे भी 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 नंबर, और 1 और 6 कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पे योगी जी को एडवांटेज मिलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो योगी जी को एडवांटेज दे रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जनवरी में सॉरी मार्च में होने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 यहाँ पर में कंपैटिबल है, लाइफ पाथ नंबर और 1 नंबर, यहाँ पे भी हमें योगी जी का एडवांटेज एक मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश का दोस्तों टोटल आते हैं 4 नंबर, वो इसके साथ अखिलेश जी के साथ जाता है। देखिए 1 और 4 ये फैमिली नंबर है, 1 और 4 फैमिली नंबर है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस मिल जाता है। अगर हम बात करें 3:1 की, अगर यहाँ पे हम बात करें 3 times एडवांटेज हमें योगी जी को मिलती है, 1 time एडवांटेज यहाँ पे हमें अखिलेश जी को मिलता है, 3:1 की रेशियो चल रही है अभी। अब आते हैं, अब आपने लिखा हुआ ईयर रनिंग 50 मतलब इनका हुआ 5 नंबर, मतलब 40 नहीं है कंप्लीट हो गया, 50th में रन कर रहे हैं ये, और इनका आपने लिखा हुआ 49 को आपने फिर से 4 लिखा हुआ है। मतलब अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा, 4+9=13 और 13 को हमने फिर से प्लस कर दिया 1+3, हाँ वो आ गया 4, तो उनका लकी नंबर 4 हुआ। चलिए अब मैं आता हूँ इस पे। देखिए दोस्तों अगर हम देखें कि डेट ऑफ बर्थ 72 यानी कि जून में योगी जी से 49 कंप्लीट कर लिया, 50th में रनिंग है, तो जिस साल में आप रन कर रहे हैं वो साल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो 50th में रन करने से इनका फिर से आ गया यहाँ पे लकी नंबर 5, लकी नंबर 5 6 के साथ कंपैटिबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं अखिलेश जी के साथ 49th में रनिंग है, 48 इनका कंप्लीट हुआ, 73 बॉर्न है, 48 कंप्लीट हुआ इनका जुलाई के अंदर 49th, 4 नंबर 4 और 6 नॉट कंपैटिबल, बट 4 और 1 4 और 4 ये यहाँ पे कंपैटिबिलिटी आती है। एडवांटेज फिर से योगी जी के साथ, यूपी चुनाव 2022 बहुत क्रूशल है यहाँ पे दोस्तों, तो 2022 के सारे नंबर सभी योगी जी के साथ ही चल रहे हैं, उनकी ईयर ऑफ रनिंग के साथ चल रहे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी चलते हुए। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर अखिलेश जी के चांसेस हैं तो 2024 में होंगे? हाँ वो 2020 जो हो सकते हैं। चलिए चलिए अब हम आते हैं बीजेपी की, ये क्या है, समाजवादी पार्टी बर्थडे 6th April 1980 और यहाँ आपने अखिलेश जी की लिखी हुई 4/10/1992। अब देखिए दोस्तों बीजेपी की जो फॉर्मेशन हुई थी 6th April 1980 को हुई थी और समाजवादी पार्टी की हुई थी 4th October 1992। तो दोस्तों बीजेपी का लकी नंबर हुआ 6 और समाजवादी पार्टी का हुआ लकी नंबर 4। फिर से दोस्तों 6 और 2022 6 और यहाँ पे 5। फिर से अगर आप देखेंगे
बीजेपी की एज अ पार्टी, योगी जी की एज अ पार्टी जो नंबर्स मैच कर रहे हैं वो 2022 से हर लिहाज से कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें अखिलेश जी का यूपी से तो कर रहे हैं, देखिए फिर से 4 नंबर आ गया यहाँ पे, यूपी में तो उनका बोलबाला है, बट वो 2022 से कहीं से मैच नहीं करते हुए नज़र आ रहे। अगेन 4 इज़ फॉर राहू 6 इज़ फॉर वीनस, तो वीनस और राहू में इतनी कंपेटिबिलिटी नहीं होती, ना न्यूमेरिकली ना एस्ट्रोलॉजिकली। चलिए एक आखिरी पॉइंट पे भी आ जाते हैं। आपने लिखा हुआ नेम नंबर योगी अखिलेश 39 को हमने फिर से प्लस किया, 3 प्लस 9 12, और 12 को हमने फिर से प्लस किया 1 प्लस 2। एक सेकंड, एक गलती हो गई मेरे से, ये 2 है, 3 नहीं है, 2 है ये। हाँ चलो, तो इनका लकी नंबर 3 है और इनका 2 है। हाँ, अब अगर हम नंबर को टोटल करें दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो सबसे जरूरी पॉइंट, हम उनके फेमस नेम से चलेंगे, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ का जो टोटल आता है दोस्तों, 39 का 3 हुआ दोस्तों, 3 प्लस 9 12, जैसे बताया प्रतिभा ने अभी हाँ, आपको, लिख दीजिए, मैं यही 3 प्लस 9 इक्वल टू 12, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसी तरीके से दोस्तों 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब आप दोस्तों फिर देखें, बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, फिर से सारी चीज़ें कहाँ नज़र करती है, नंबर 3 6 के साथ कंपेटिबिलिटी, नंबर 3 यहाँ के साथ भी इसके फॉर्मेशन, और मंथ ऑफ पोलिंग दोस्तों नंबर 3 है ही है। अखिलेश यादव का हम लोग देखें, दो नंबर चंद्रमा का, 6 नंबर शुक्र का, यहाँ से कंपेटिबिलिटी नहीं होती, हालांकि 2 नंबर फिर से 4 के साथ जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टोटल आता है। यानी कि अखिलेश यादव की अगर हम नंबर्स की बात करें, यूपी के साथ उनकी कंपेटिबिलिटी बनती है, यूपी के नंबर्स के साथ कंपेटिबिलिटी बनती है, बट 2022 के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, योगी जी के जितने भी नंबर हैं वो 2022 के साथ बड़े अच्छे तरीके से जाते हैं, बीजेपी एज अ पार्टी के नंबर बड़े अच्छे तरीके से जाते हैं, बट अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को इतने नंबर कंपेटिबिलिटी नहीं है। कह सकते हैं दोस्तों सेफली कि जो बात मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कही थी, इनके हॉरोस्कोप से कही थी कि योगी जी का सीएम बनना ऑलमोस्ट कन्फर्म है, या हम कल मान के चले कन्फर्म ही है, जितनी मर्जी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, जो हुआ कल लखीमपुर खीरी में या आगे भी बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, वो इनके राह में रोड़े तो अटकाएगा, बट कहीं ना कहीं इनकी जीत को और सुनिश्चित करता चला जाएगा। और ये क्योंकि यहाँ पे यूपी के साथ इनके नंबर काफ़ी सारे बनते हैं अखिलेश यादव के, तो इनके सीट्स तो बढ़ेंगी जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कहा था आपको, बट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इम्पॉसिबल है, वो नज़र नहीं आता। योगी जी की वापसी ऑलमोस्ट कन्फर्म है दोस्तों, हम बोल के चले कि आ ही गए, बस शर्त दोस्तों एक ही, एक कंडीशन में फिर से कह रहा हूँ आपको कि उनको सीएम फेस घोषित करना होगा, नहीं घोषित करेंगे तो बीजेपी की नैया डूबेगी ही डूबेगी, उसको कोई पार नहीं लगा सकता। तो दोस्तों आंसर मिल ही गया होगा आपको, आपने जो कहा था कि न्यूमोलॉजी के साथ भी कन्वर्ट करके चलें तो आपको देखा। और एक बात बता दूं कि किसान आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है, चाहे वो राकेश टिकैत के बारे में या किसी के बारे में, कि वो बीजेपी पे काफ़ी असर डालेगा, बीजेपी के चांसेस कम करके चलेगा। दोस्तों मेरी कैलकुलेशन जो मैंने राकेश टिकैत के भी डाली थी, क्लियर कट कह सकता हूँ दोस्तों, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बीजेपी सरकार से दूर हो जाएगी, अपनी सीएम बनने से दूर हो जाएंगे योगी जी, वो होने वाला नहीं है। जितना इनके एंटी होंगे लोग, मतलब किसान आंदोलन जितना इनके एंटी होगा या जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, उतना ही इनकी मजबूती बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, और आखिर में दोस्तों 17 नवंबर के बाद योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो फिर बहुत ऊपर, 1 महीना इनके लिए टफ होने वाला है 17 नवंबर तक का, जब तक सूर्य नीच का रहेगा, मोदी जी के लिए भी टफ होगा, बिकॉज उनकी कुंडली में सूर्य जो है उनके टेंथ, उनके पावर, उनके प्रोफेशन, उनके नेम एंड फेम का लॉर्ड है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, सुमित ने क्लियर कर दिया कि योगी जी के चांसेस ज़्यादा हैं, योगी जी ही उनकी जो सुमित की कैलकुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग योगी जी ही विनर रहेंगे, अखिलेश जी के भी कोई चांसेस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों मैच कर रही हैं आपस में। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो को लेकर। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर।